हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में सिंपल कन्वर्जन पर आधारित एक क्वेश्चन है दिया हुआ है कि कैसे आप ये से ये बनाएंगे। चार चार रिएजेंट यहाँ पर दिए हुए। देखिए सबसे पहला नंबर तो आप क्या कीजिए, आपके पास साइक्लो हेक्सेनॉन है, ठीक है, इस तरह से। और गौर से यहाँ पर देखिए, इस साइक्लो हेक्सेनॉन को यहाँ पर OH में बदला हुआ है और साथ ही साथ HCl3 लगाया हुआ है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्या करते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करते हैं। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है आपको पता है कार्बेनाइट्स देता है, तो ये कार्बेनाइट क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और अटैक करके इसको खोलेगा तो O- बने आएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर प्रोटोन भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि ये चीज़ बन गया। ठीक है, यहाँ पर OH हो गया और फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं CH3 हो गया। अब देखिए आगे इस प्रोडक्ट को हमेशा देखते रहिए, इस प्रोडक्ट में देखते हैं कि CH3 के साथ OH तो है लेकिन बगल वाले कार्बन पर भी C" O लगा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर, और कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर बेसिकली बच्चों क्या करता है, C" O में COH लगाता है और यहाँ पर भी COH लगता है। ठीक है, CrO3 क्या करता है, CrO3 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये OH को किस में बदल देता है, ये OH को C" O में बदल देता है। ठीक है, और ये H+ हीटिंग में ये क्या करता है, तो ये डिहाइड्रेशन करके अल्किन में बदलता है। तो सब कुछ क्लियर तो हो ही चुका है। देखिए ये डिहाइड्रेशन करके अल्कोहल को अल्किन में बदलता है, तो क्यों नहीं सबसे पहला नंबर अल्किन में बदल लिया जाए इसको। ठीक है, तो जब अल्किन में बदलेंगे तो हमें यहाँ पर बगल वाले कार्बन पर OH चाहिए, तो OH के लिए हम KMnO4 यूज में ले लेंगे, और KMnO4 यूज लेने के बाद जो है फिर ये बगल वाला जो मतलब एक OH ग्रुप है उसको हमें कीटोन में बदलना है, तो उसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चला देंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर H+ देकर हीटिंग करेंगे। तो H+ देकर जब हीटिंग करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन में आपको पता है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके आपको यहाँ पर जो है अल्कीन मिलेगा। चलिए हमें अल्कीन मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड KMnO4 करेंगे। कोल्ड KMnO4 करने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है OH लग जाएगा। यहाँ भी OH लग गया, यहाँ भी OH लग गया, और यहाँ पर CH3 था ही। ठीक है, तो देखिए फायदा क्या हो गया, एक C" O था, अब यहाँ से इसको यूज करते करते दो OH ग्रुप हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सॉरी कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच दिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए हमने इसको यूज में ले लिया, इसको यूज में ले लिया, अब ये है तो CrO3, तो CrO3 देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये OH को जो है एल्डिहाइड कीटोन में बदलता है, लेकिन ये केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ही बदलता है। यहाँ पर देखिए ये जो OH है ना, ये 3 डिग्री है, इसीलिए ये 3 डिग्री वाला बचा का बचा रह गया। ठीक है, तो जैसे हम इसको करेंगे तो आपको जो है इस तरह से यहाँ पर C" O बन जाएगा, और ये चूंकि 3 डिग्री का अल्कोहल है तो ये जैसे है वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सवाल उठता है कैसे हुआ, सबसे पहला नंबर हमने 1 को यूज किया, 1 के बाद हमने 4 को यूज किया, ठीक है, 4 के बाद हमने क्या किया था, 2 को यूज किया, और 2 के बाद हमने लास्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलाया था। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कन्वर्जन पर ही आधारित है। देखिए यहाँ पर एक इपॉक्सी सिस्टम है, ठीक है, और इपॉक्सी सिस्टम से यहाँ पर 2 डिग्री का अल्कोहल बनाया हुआ है और 3 डिग्री का अल्कोहल बनाया हुआ है। आप जानते हो कि इपॉक्सी सिस्टम में क्या होता है कि ये वाले बॉन्ड टूटते हैं, है ना, अटैकिंग साइट ये होता है या ये होता है। ठीक है, अगर ये यहाँ से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, मैं एक बार समझा रहा हूँ, इधर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और इधर से अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो अगर इधर से अटैक होता है तो देखिए ये 3 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा, और इधर से अटैक होता है तो इधर से 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। तो सवाल उठता है कि इस वाले साइड पर कौन अटैक करेगा और इस वाले साइड पर कौन अटैक करेगा। देखिए अगर आप इसको और इसको गौर से देखो तो ये वाला साइड जो है ना, ये वाला जो साइड है इधर वाला, ठीक है, ये जो है मोर क्राउडेड है। ठीक है, और मोर क्राउडेड साइड पर जो है, मोर क्राउडेड साइड पर वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है।
कौन अटैक करता है? वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और लेस क्राउडेड साइट पर जो है कौन अटैक करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, कहता है कि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज में लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ही लेते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में आपको पता होगा कि ये Li प्लस और इसके माइनस के रूप में होता है, और यहाँ से फाइनली जो है एच माइनस आपको एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में मिलता है, ठीक है। और ये हाइड्राइड आयन वैसे तो इसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो नेचर है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो एच माइनस है इस एच माइनस को इस लेस क्राउडेड पर अटैक करवा देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से अटैक करवाओगे तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा और ये वाला बॉन्ड खुलेगा, तो देखिए आपको ये यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा फाइनली, और ये ओ माइनस, और बाद में इसको प्रोटॉन मिल जाएगा। अलग दिया नहीं है लेकिन आप मान के चलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से आपको ये 3 डिग्री का अल्कोहल मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि एक्स में जो है आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो लेस क्राउडेड पर ही अटैक करेगा, और हम चाहते हैं कि अगर 3 डिग्री का अल्कोहल हो तो अटैक यहीं पर होना चाहिए, और यहाँ पर अटैक होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और 3 डिग्री का अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात वाई के बारे में, देखिए वाई में देखिए NaBH4 भी दिया हुआ है, तो NaBH4 भी एच माइनस देता है, लेकिन ये जो है ना माइल्ड, माइल्ड करने का मतलब जो है ये एक प्रकार से वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ये क्या करे, अटैक करे और बॉन्ड तोड़ दे, नहीं समझे बात को। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल में ये जो है, ये जो वीक न्यूक्लियो आप जानते भी होंगे, SN1 SN2 रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। SN1 रिएक्शन में क्या होता था, SN1 रिएक्शन में पहले खुद बॉन्ड टूटता है, खुद बॉन्ड टूटता है, और टूटने के बाद जो है फिर वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को हम लोग जोड़ते हैं, समझ के बात को। अच्छा, तो यहाँ पर NaBH4 दिया हुआ है, NaBH4 के साथ अगर कुछ भी एसिडिक मीडियम या कुछ भी ऐसा दिया होता जिससे कि अगर बॉन्ड टूटता तब हम इसको H- को यहाँ पर जोड़ सकते थे, अटैक करवा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ पर देखिए बी में दिया है कि एक्स में आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए और साथ साथ AlCl3 लीजिए। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सी यहाँ पर सी है और ये इपॉक्सी सिस्टम है, ठीक है, और ये CH3 है, और यहाँ पर जो है 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये जो AlCl3 है बेसिकली, ये AlCl3 आपको पता है ये क्या है, एक लुईस एसिड है। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये इसको देगा, तो जैसे इसको देगा तो यहाँ पर बन जाएगा केटायन बनेगा, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। तो अनस्टेबल सिचुएशन होगा ना, तो ये क्या है, बॉन्ड को तोड़ना पसंद करेगा, और आप जानते हो कि बॉन्ड जब टूटेगा तो बॉन्ड ये भी टूट सकता है और ये भी टूट सकता है, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो कार्बोकेटायन यहाँ पर बनेगा, और ये टूटता है तो कार्बोकेटायन यहाँ पर बनेगा। तो बॉन्ड वो टूटना चाहिए जहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटायन क्या हो, ज़्यादा स्टेबल हो। तो बताइए कार्बोकेटायन कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि जब हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को लिया, तो वहाँ पर जो हाइड्राइड आयन है चूंकि वो खुद उसका नेचर स्ट्रॉन्ग टाइप का है, तो हमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को लगाकर कार्बोकेटायन बनाने की तो जरूरत ही नहीं समझ रहे हो बात, क्योंकि हमने लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करवाया था ना, समझ के बात को। तो यहाँ पर जो ये बोला हुआ है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चूंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उसके साथ साथ कहता है AlCl3 लीजिए। AlCl3 लेने का मतलब है कि कार्बोकेटायन बनाइए, और कार्बोकेटायन बनाइए और फिर उसके बाद जो है ये आपको मिलेगा। तो भाई कार्बोकेटायन तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, और कार्बोकेटायन बनेगा भी तो हम 3 डिग्री पर बनाएंगे कि 2 डिग्री पर बनाएंगे। कार्बोकेटायन अगर हम बनाएंगे भी तो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनाएंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होगा ना, और आपको पता है कि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है मेजर उसी से मिलता है। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, लेकिन इस एक्स ने हमें कुछ आइडिया दे दिया वाई के बारे में। ये एक्स आंसर तो नहीं हुआ, लेकिन वाई के बारे में कुछ आइडिया दे दिया। वो इसलिए क्योंकि हम यही तो चाहते हैं कि ये वाला बॉन्ड टूटे, और ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा, AlCl3 के जोड़ने से, समझ के बात। तो इसीलिए यहां पर देखिए AlCl3 दिया हुआ है, AlCl3 2
जैसे जोड़ेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर बन गया कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन है तो अब आप NaBH4 ले लो या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, कोई भी आप आयन ले लो, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, तो ये H- क्या करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा और अटैक करेगा और फाइनली जो है ये इधर ये OH जो है यहाँ पर है, बाद में इसको प्रोटॉन दे देंगे तो AlCl3 यहाँ से हट जाएगा और आपको 2° अल्कोहल मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब है कि जब आप 3° पर अटैक करवाओगे ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अटैक करवाओ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अटैक करवाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सबसे पहला नंबर आप वहाँ पर क्या करो, कार्बोकैटायन बनवाओ। और कार्बोकैटायन बनाने के लिए या तो मीडियम एसिडिक होना चाहिए या फिर यही लुईस एसिड जो दिया हुआ है ऐसा कुछ होना चाहिए। भाई H+ भी दिया हुआ होता तो H+ यहाँ से जुड़ जाता, 3 बॉन्ड बनाता और हम बॉन्ड तोड़ते तो कार्बोकैटायन बनता, तो कार्बोकैटायन हम कहाँ पर बनाना पसंद करेंगे, ऑब्वियस ही बात है 3° पर। समझ में आई बात। तो अगर जो ऑप्शन नंबर ए में लिथियम यहाँ पर जो NaBH4 के साथ H+ या कोई लुईस एसिड लिखा हुआ होता ना, तो ये भी सही होता। इसमें गलती क्या है, इसमें गलती केवल इतना ही है कि 3° पर कार्बोकैटायन बनने का व्यवस्था नहीं किया, समझ के बात को, इसीलिए इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कहता है H2 निकल कर दे, भाई H2 निकल की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, फिर बाद में H2PT की नहीं, गलत दिया होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा।